ज़ेरोधा स्टॉक ब्रोकर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। 1 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ज़ेरोधा एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। स्पेशली ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा काइट एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़ेरोधा काइट एप्लीकेशन का एक कम्प्लीट डेमो देने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ज़ेरोधा काइट, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। काइट एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपके पास एक ज़ेरोधा अकाउंट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले ज़ेरोधा अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। ज़ेरोधा अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। ज़ेरोधा अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी डालकर कंटिन्यू करेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे, ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको आधार केवाईसी करनी होगी, तो इसके लिए आप कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको डिजी लॉकर के लिए 6 अंकों का पिन सेट कर लेना है। अगर आपने पहले से सेट किया हुआ था तो आप वो पिन भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर आपने पहले से सेट किया हुआ था लेकिन आप भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर एक पिन सेट कर सकते हैं। चलिए हमने पहले से सेट नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं 6 अंकों का एक पिन डालकर कंटिन्यू करूंगा। इसको आप अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आप फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, बैकग्राउंड में आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, अपना ऑक्यूपेशन चूज करेंगे जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करनी होगी, तो जो अकाउंट आप ज़ेरोधा के साथ ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इन सबको टिक कर देंगे, नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको वेबकैम वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए आप कोई भी एक पेज लेंगे, उस पर आप ये नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप इस पेज को इस तरह से होल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है, नीचे कैमरा चल रहा है, तो इस तरह से आप पेपर पर ये नंबर लिखकर पेपर को होल्ड करेंगे जैसा सैंपल में दिखाया गया है, और कैप्चर पर क्लिक करके अपना एक फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर पर क्लिक करके आप थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि आपके मल्टीपल फोटोज क्लिक करेगा और उसमें से एक सही फोटो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको दोबारा से कैप्चर करना है तो आप रेडो पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है सही है तो आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो पहले आपको बैंक प्रूफ अपलोड करना होगा। इसमें आप अपने बैंक का कैंसिल चेक या बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। इनकम प्रूफ में आपको क्या देना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, और अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एक सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो आप एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करिए, उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। नीचे आपको अपने पैन कार्ड का एक फोटो अपलोड करना होगा, तो आप अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपने बैंक का स्टेटमेंट या कैंसिल चेक, सिग्नेचर और पैन कार्ड अपलोड करके आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करना होगा, तो आप ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप प्रोसीड टू साइन पर क्लिक करेंगे। अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करने के लिए इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कंसेंट देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और साथ ही आपकी एप्लीकेशन भी ई साइन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आपकी साइन हो चुकी है। इसके बाद आप फिनिश कर देंगे। कांग्रेचुलेशंस, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगले 48 आवर्स में आपके पास ज़ेरोधा की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी यूजर आईडी मिल जाएगी। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको ज़ेरोधा की तरफ से एक वेलकम ईमेल मिल जाएगा, जिसमें आपको आपकी यूजर आईडी मिल जाएगी। इसमें आप लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे, अपनी यूजर आईडी डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, और इसके बाद आप एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्ले स्टोर से काइट एप्लीकेशन
एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप लॉग इन टू काइट पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेना है, तो इसके लिए आप इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे। काइट एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल एप्लीकेशन है। इसमें आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे की वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, टूल्स एंड आपका प्रोफाइल। वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, यानी आपकी जो भी फेवरेट कंपनीज है जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है, जिन पर आपको नजर रखनी है, उनको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 कंपनीज ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 7 वॉच लिस्ट मिलती है, जिनको आप इस तरह से स्वाइप करके देख सकते हैं। किसी भी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए सर्च एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी को आप ऐड करना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपके सामने BSE और NSE दोनों लिस्टिंग्स आ जाएगी, जिसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आप और भी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं। नीचे है ऑर्डर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जितने भी आप ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ओपन में आपके ओपन ऑर्डर शो होंगे और एग्जीक्यूटेड में आपके वो ऑर्डर शो होंगे जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगर आपने कोई GTT ऑर्डर प्लेस किया है तो वो आपको GTT में शो होगा। अगर कोई IPO आया है तो वो आपको IPO में शो होगा, और यहीं से आप उस IPO के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद है पोर्टफोलियो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो शो होगा कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, किन किन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस कंपनी के आपने कितने स्टॉक्स लिए हुए हैं, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप स्वाइप करेंगे तो आपके सामने पोजीशंस आ जाएगी, यानी आपने जितनी भी ट्रेड्स ली हुई है वो सब आपके सामने यहाँ पर शो होगी, और साथ ही आपने जो डिलीवरी ली है तो वो भी सेम डे आपको यहीं पर शो होगी। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको पोजीशंस में शो होगी, और अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स होल्ड करने के लिए बाय किए हैं तो सेम डे वो आपको यहीं शो होंगे, और अगले दिन से वो आपको यहाँ पोर्टफोलियो में शो होंगे। इसके बाद है टूल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बास्केट्स, SIPs और अलर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको 10, 15, 20 कंपनीज के स्टॉक्स को एक साथ बाय करना है तो आप न्यू बास्केट क्रिएट करेंगे, उन कंपनीज को आप बास्केट में ऐड करके एक साथ बाय या सेल कर सकते हैं। SIPs में आप स्टॉक्स में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू SIP पर क्लिक करेंगे, स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको SIP स्टार्ट करनी है, डेट और अमाउंट सिलेक्ट करके आप किसी भी स्टॉक में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अलर्ट्स, यहाँ से आप किसी भी कंपनी पर अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी को कम प्राइस पर बाय करना है तो आप एक अलर्ट सेट कर सकते हैं, जब भी उस स्टॉक का प्राइस कम होगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसके बाद है प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, आपके पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कितना बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। एड फंड्स पर क्लिक करके आप और भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ पर क्लिक करके इसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपको कंसोल का ऑप्शन मिल जाएगा, कंसोल में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ट्रेड बुक पर क्लिक करके आप ट्रेड बुक देख सकते हैं कि किस दिन आपने कितनी ट्रेड की है, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, गिफ्ट स्टॉक्स पर क्लिक करके आप स्टॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं, और फैमिली पर क्लिक करके आप अपनी फैमिली के दूसरे ज़ेरोधा अकाउंट्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं। इससे आप अपनी फैमिली के सभी पोर्टफोलियोस को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि काइट एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको पहले फंड ऐड करना होगा, तो इसके लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फंड्स पर क्लिक करेंगे, ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपीज ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैं 1000 डाल दूंगा। बैलेंस आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे UPI से ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अपना UPI एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं फोन पे से करूंगा तो मैं फोन पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे और अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। बैलेंस ऐड हो चुका है, इसके बाद हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जिस कंपनी का स्टॉक आपको बाय करना है उसको आप पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे कि मुझे बर्जर पेंट का बाय करना है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। स्टॉक बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर टाइप आप रेगुलर रखेंगे, नीचे आप क्वांटिटी डालेंगे कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। जैसे कि मुझे 2 बाय करनी है तो यहाँ पर मैं 2 एंटर कर दूंगा। नीचे प्रोडक्ट टाइप में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। अगर
अगर आपको ट्रेडिंग करनी है यानी स्टॉक्स को आज ही बाई करके आज ही सेल करना है तो आप इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको होल्ड करने के लिए स्टॉक को बाई करना है तो आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको टाइप मिलेगा, अगर आप मार्केट चूज करेंगे तो मार्केट में इस स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर ये बाई हो जाएगा। अगर आप लिमिट सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी मर्जी का प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इस स्टॉक का प्राइस जब भी इस प्राइस को टच करेगा जो आपने यहाँ पर डाला है तो ये बाई हो जाएगा। जैसे कि अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 562 रुपीज, अगर आपको 60 रुपीज पर बाई करना है तो आप यहाँ पर 60 एंटर कर देंगे। अब जब भी इस स्टॉक का प्राइस 60 को टच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस एड करना है तो आप इसको इनेबल कर देंगे और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। जैसे कि अगर आपको किसी स्टॉक में ज्यादा लॉस से बचना है तो यहाँ पर आप एक परसेंटेज डाल देंगे कि अगर बाई करने के बाद ये इतना परसेंट गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं लेना है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5% लॉस आप ले सकते हैं तो आप यहाँ पर -5% डाल देंगे। इससे होगा ये कि अगर स्टॉक बाई करने के बाद वो 5% गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद वो अगर ज्यादा गिरता है तो उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही सेल हो जाएगा। इसी तरह से सेट टारगेट है, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं, यानी स्टॉक अगर आपने बाई किया तो उसके बाद वो कितना परसेंट बढ़ने पर ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको GTT ऑर्डर बोला जाता है, जिसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में आप डाउन साइड सेट करते हैं कि इतना नीचे जाने पर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए, और टारगेट में आप ऊपर की साइड को सेट करते हैं कि इतना ऊपर जाने पर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। चलिए, हमें स्टॉप लॉस या टारगेट सेट नहीं करना है तो मैं इन दोनों को ऑफ कर दूंगा। ये एक लिमिट ऑर्डर है तो मैं इसको मार्केट कर देता हूँ कि मार्केट में इस स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर मुझे बाय करना है। नीचे आपके सामने मार्जिन आ जाएगा कि ये स्टॉक बाय करने के लिए आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए, और अवेलेबल बैलेंस में आप अपना टोटल बैलेंस देख सकते हैं। इसके बाद स्वाइप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर्स देखने के लिए आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट किया था, यानी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा था उसी पर हमने इसको बाय कर लिया है। अगर आप लिमिट सेट करते हैं और अपनी मर्जी का प्राइस डालते हैं तो आपको ओपन में शो होगा जब तक कि एग्जीक्यूट ना हो जाए। जब भी उस स्टॉक का प्राइस उस प्राइस को टच करेगा जो आपने सेट किया है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको यहाँ एग्जीक्यूट में शो होने लगेगा। ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो अपने स्टॉक्स देखने के लिए आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पोजीशंस में आप स्टॉक्स देख सकते हैं जितने भी आपने बाय किए हुए हैं। जैसे कि हमने बर्जर पेन के 2 स्टॉक्स बाय किए हैं तो वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं। यहीं पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। बाय करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर बाय करने के बाद स्टॉक का प्राइस गिरता है तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आप यहीं पर देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक आज ही सेल करना है तो आप यहीं से सेल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको एग्जिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जिट पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आप क्वांटिटी एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। नीचे मार्केट टाइप में आप मार्केट चूज कर लेंगे या लिमिट चूज कर लेंगे। अगर आप लिमिट चूज करेंगे तो आप अपनी मर्जी का प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं जिस पर आपको सेल करना है। जैसे कि अगर मुझे 565 पर सेल करना है तो यहाँ पर मैं 565 एंटर कर दूंगा। इससे होगा ये कि जब भी इस स्टॉक का प्राइस 565 को टच करेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर आप मार्केट सिलेक्ट करेंगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये सेल हो जाएगा। स्वाइप टू सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा। ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्वांटिटी सेल हो चुकी है। पोजीशंस में आप देख सकते हैं क्वांटिटी 0 हो चुकी है, यानी हमने इसको सेल कर दिया है। सेल करने पर आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद अगर आप सेम डे सेल करेंगे तो आप यहां से कर सकते हैं, और अगर आप सेम डे सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से वो आपको होल्डिंग्स में दिखाई देने लगेगा। इस तरह से वो आपको होल्डिंग्स में शो होने लगेगा। जैसे कि मैंने पहले से कुछ स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, इनको मैंने सेल नहीं किया है, तो ये यहाँ होल्डिंग्स में आ गए हैं और यहाँ से हम इनको सेल कर सकते हैं। जिसको भी आप सेल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटीज आपको सेल करनी है वो आप क्वांटिटी में डाल देंगे। नीचे आप मार्केट या लिमिट टाइप चूज कर लेंगे। स्वाइप टू सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको टिप इन डालने का ऑप्शन मिलेगा। टिप इन कैसे क्रिएट किया जाता है इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप टिप इन एंटर करेंगे तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। पहले आप फंड ऐड कर लेंगे जितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, इसके बाद आप वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड कर लेंगे जिसको आप बाय करना चाहते हैं। आपके सामने NSE और BSE दोनों लिस्टिंग्स आ जाएगी, आप NSE वाली सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का शेयर बाय करना है तो इसको मैंने वॉच लिस्ट में
में ऐड कर लिया है। आपके सामने स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, नीचे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि कितने लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं। स्टॉक बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करेंगे, इसमें आप क्वांटिटी एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 स्टॉक्स बाय करने हैं तो यहाँ पर मैं 3 एंटर कर दूंगा। नीचे प्रोडक्ट टाइप है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको होल्ड करने के लिए स्टॉक बाय करना है तो लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप मार्केट टाइप में चूज कर लेंगे मार्केट या लिमिट, अगर आप मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो मार्केट रखेंगे, और अगर आप अपनी पसंद के प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो आप लिमिट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ऊपर प्राइस एंटर कर देंगे किस प्राइस पर आप इसको बाय करना चाहते हैं। जैसे कि एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 326 रुपीज, लेकिन आप इसको बाय करना चाहते हैं 25 पर, तो आप यहां पर 325 एंटर कर देंगे। नीचे अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्वाइप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर्स देखने के लिए आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये यहाँ ओपन में शो हो रहा है। जब भी इस स्टॉक का प्राइस हमारे सेट की हुई प्राइस को टच करेगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें एग्जीक्यूट में देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारे पोर्टफोलियो में पोजीशंस में शो होगा। अगर सेम डे सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से ये आपको होल्डिंग्स में दिखाई देने लगेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्राइस हमने सेट किया था स्टॉक प्राइस उसको टच कर गया और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर 3 स्टॉक्स बाई हो चुके हैं। पोजीशंस में आप देख सकते हैं ग्रीन पैनल कंपनी के 3 स्टॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनको अगर हम आज सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से होल्डिंग्स में शो होंगे, और अगर आपको आज ही सेल करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है क्वांटिटी डालेंगे, टाइप चूज करेंगे मार्केट या लिमिट, इसके बाद स्वाइप टू सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं पोजीशंस में 0 क्वांटिटी शो हो रही है, यानी ये स्टॉक सेल हो चुका है। जैसे ही आप किसी कंपनी के स्टॉक को सेल करते हैं तो 2 दिन के बाद आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें आप फंड्स पर क्लिक करेंगे, अमाउंट आपके सामने आ जाएगा, आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, इसके बाद कंटिन्यू। आपके सामने बैंक डिटेल्स आ जाएगी, जिस बैंक में आपका ये अमाउंट क्रेडिट होगा आप कंफर्म कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी। इसके बाद ये अमाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कैंसिल रिक्वेस्ट पर क्लिक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए रिपोर्ट्स भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे, इसमें आप फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे, किस क्वार्टर से किस क्वार्टर तक की आपको रिपोर्ट निकालनी है आप यहां पर डालेंगे, इसके बाद एंटर, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और यहां से आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था काइट एप्लीकेशन का एक कंप्लीट ओवरव्यू, जिसमें आपने अकाउंट ओपन करने से लेकर स्टॉक्स बाय और सेल करने तक का प्रोसेस देख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।